नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मोदी सरकार की दूसरे कार्यकाल की पहली बजट 2019 की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली बजट जो है 5 जुलाई 2019 को पेश की गई है और इस बजट को पेश किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, जो कि पूर्णकालिक बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री हैं देश की। और दोस्तों, सरकार का लक्ष्य बजट के तहत सरकार का लक्ष्य जो है दो वर्ष 2022 तक सबके पास अपना घर हो, हर गांव में बिजली पहुंचाना, स्वच्छता मिशन के तहत घर में शौचालय उपलब्ध करवाना और सागरमाला के तहत जो है जल रास्ते को बढ़ावा देने के लिए देश के भीतर जल मार्ग को प्रारंभ करने का भी बजट में प्रस्ताव किया गया है। और भारतमाला के अंतर्गत जो है नेशनल हाईवे का निर्माण करना और सभी गांवों को पक्की सड़क से जोड़ना, सभी गांवों में पक्की सड़क उपलब्ध करवाना और मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया योजनाओं के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है दोस्तों। और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे बजट जो है, हमारा बजट के अंतर्गत जो लक्ष्य है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करने का है। वित्त मंत्री ने बजट के माध्यम से देश के आगामी 10 सालों के लक्ष्य को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा है और उन्होंने, उनके द्वारा भाषण में कहा गया है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है आगामी कुछ वर्षों में $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, इस बजट 2019 की जो है मुख्य बिंदु पर एक नजर डालते हैं। बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए ई वाहनों पर 12% GST को घटाकर 5% कर दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ई वाहनों का उपयोग करें और इलेक्ट्रिक वाहनों का जो बैटरी से चार्ज होगी। और दोस्तों, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों, एंजल टैक्स जो होता है स्टार्टअप्स को, कारोबार को जो बढ़ाने के लिए फंड रेस किया जाता है और फंड रेस करने पर जो है कंपनियों को उसके बदले में अपने कंपनी के शेयर्स जारी किए जाते हैं और जो ये शेयर्स जारी किए जाते हैं वो जो असली कीमत से ज़्यादा मूल्य पर दिए जाते हैं उनको, और जो इससे जो अतिरिक्त कमाई होती है स्टार्टअप्स के मालिक की वो उसकी जो है उस पर जो सरकार द्वारा टैक्स लगाया जाता है, वही उनका इनकम होता है, प्रॉफिट होता है, तो सरकार द्वारा इस पर टैक्स लगाया जाता था अभी तक, तो इस टैक्स को ही एंजल टैक्स कहते हैं। तो 2019 के बजट में स्टार्टअप्स के एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है ताकि देश में जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना स्व कारोबार करें और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने हेतु एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। और 45 लाख तक के मकान खरीदने पर होम लोन के ब्याज पर पहले 2 लाख की छूट थी, उसे बढ़ा करके 3.5 लाख कर दिया गया है। तो अब 45 लाख तक के यदि मकान खरीदते हैं तो उस पर जो है होम लोन के ब्याज पर जो है 3.5 लाख के होम लाख तक के ब्याज की छूट मिलेगी। तो दोस्तों, मोदी सरकार के मिशन जो 2022 तक सबके पास मकान हो, इसके तहत जो है ब्याज की पर छूट दी गई है होम लोन के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना मकान बनवा सकें, खरीद सकें। और 2 से 5 करोड़ रुपए वार्षिक जिनकी आमदनी है उन्हें जो 3% अधिक टैक्स भरना होता था उसे बढ़ाकर अब 5% उन्हें जो है अब उस पर जो है 3% अधिक टैक्स उनको भरना होगा, 2 से 5 करोड़ रुपए वार्षिक कमाने वालों को। और 5 करोड़ से अधिक वार्षिक जिनकी आय है, आमदनी है, उनको जो है 7% अधिक इनकम टैक्स भरना होगा। तो दोस्तों, व्यक्ति विशेष द्वारा 1 वर्ष में 2 करोड़ रुपए से अधिक बैंक से निकालने पर, यदि कोई भी व्यक्ति बैंक से 1 वर्ष में 2 करोड़ रुपए निकालता है, 2 करोड़ से अधिक, तो उसे जो है 2% उस पर TDS सरकार द्वारा काटा जाएगा, अर्थात 2 करोड़ के अमाउंट पर जो है 2 लाख रुपीज जो है उनके टैक्स में कट जाएगी।
तो अब आधार कार्ड से भी जो है दोस्तों इनकम टैक्स फाइल किया जा सकेगा। आधार कार्ड के लिए पैन कार्ड ही जरूरी नहीं होगी, पैन कार्ड के अलावा जो है आधार कार्ड से भी इनकम टैक्स भरा जा सकेगा। और बैंकों के क्रेडिट को बढ़ाने के लिए दोस्तों 70,000 करोड़ रुपए देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों हाल में ही जो ये किसानों के कर्ज माफ किए जाए हैं और किए जाने के कारण जो है बैंकों के ने जो लोन दिया है उनको वापस उसके इंटरेस्ट ना मिलने के कारण उनका क्रेडिट स्कोर गिरा है, जिसके कारण जो है उन्हें लॉस का सामना करना पड़ा है। इसके पूरा करने के लिए बैंकों को जो है 70,000 करोड़ रुपए का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जो है उपलब्ध कराया जाएगा। बजट के तहत 70,000 करोड़ का निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। और दोस्तों नए सिक्के जारी करने की घोषणा की गई है बजट में। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है 1 रुपए से लेकर 20 रुपए तक के नए सिक्के जारी किए जाएंगे। और वर्ष 2019-20 में जो है 4 नए दूतावास खोलने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों भारत के जो है अन्य देशों में विदेशों में जो जिन जिन देशों में दूतावास नहीं है भारत के, वहाँ पे जो है भारत के दूतावास खोलने का लक्ष्य रखा गया है। और उसके तहत 2019-20 में 4 नए दूतावास खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और दोस्तों प्रवासी भारतीय जो है वो भारत आने पर उन्हें जो है 180 दिन तक रहने के बाद आधार कार्ड बनवाना होता था, प्राप्त हो सकता था, जो कि अब 180 दिन की सीमा समाप्त कर दी गई है। अब वो प्रवासी भारतीय भारत आते ही जो है अपना आधार कार्ड बनवा सकेंगे, प्राप्त कर सकेंगे। और हर गांव तक जल की आपूर्ति किए जाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 1500 ब्लॉक की पहचान की गई है। और इस लक्ष्य को पूरा करने के माध्यम से हर घर नल का जल पहुंचाने के मिशन को पूरा किया जाएगा। और नई शिक्षा नीति के तहत जो है दोस्तों राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बनवाए जाएंगे। और उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है बजट 2019 में। और विश्व के टॉप 200 कॉलेजों में जो है भारत के केवल 3 ही कॉलेज के नाम है, इनकी संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षा नीति के तहत काम किया जाएगा। ऑनलाइन कोर्स को बढ़ावा दिया जाएगा और विदेशों के छात्रों को अध्ययन कार्यक्रम के तहत जो है भारत बुलाया जाएगा। दोस्तों स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत जो है महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को लाभ प्रदान किया जाएगा। और टीवी चैनल पर स्टार्टअप कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे दोस्तों, जिससे जो है ज्यादा से ज्यादा लोग स्टार्टअप करने के लिए अपना कारोबार स्थापित करने के लिए जो है बिजनेस शुरू करने के लिए प्रोत्साहित हो। और उसके अतिरिक्त उसके स्टार्टअप योजना के तहत जो है महिलाओं और अनुसूचित जनजाति को छूट दी जाएगी ऋण पर। और दोस्तों जनधन खाता धारक जो महिलाएं हैं उनको 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी। यानी दोस्तों उनके बैंक में 5,000 रुपए ना होने पर भी उनको जरूरत पड़ने पर वो 5,000 रुपए बैंक से ले सकेंगी। और इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए 1,00,000 रुपए मुद्रा ऋण की व्यवस्था की जाएगी, अलग से केवल महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। 1,00,000 जो है वो लोन ले सकेंगी अपने बिजनेस शुरू करने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे YouTube चैनल sikhe.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।